नीट यूजी का एग्जाम 5 मई को खत्म हो गया है और उसके बाद से ही कैंडिडेट अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल जो प्रोविजनल आंसर की है नीट की, उसे ऑफिशियल वेबसाइट पर लाइव कर दिया गया है। कैंडिडेट्स अपने जो क्रेडेंशियल है ना, उसकी मदद से उसे एक्सेस कर सकते हैं। वेबसाइट है exams.nta.ac.in। देखिए, आपके पास ना ऑब्जेक्शन रेज करने का मौका है और ऑब्जेक्शन के आधार पर फाइनल आंसर की आएगी और उसके बाद ही 14 जून तक रिजल्ट का अनाउंसमेंट हो पाएगा। सो आपको नीट का रिजल्ट चेक कैसे करना है, उसका स्टेप बाय स्टेप तरीका क्या है, वो सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, बहुत ईजी लैंग्वेज में समझा देंगे ताकि आपको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय, हेलो, नमस्ते, मैं हूं नेहा आपके साथ और नीट वाले कैंडिडेट्स के लिए एक बार फिर से मैं एक नया अपडेट लेकर आ गई हूं। अपडेट है रिजल्ट पर। देखिए, रिजल्ट तो 14 जून तक आ जाएगा, लेकिन उससे पहले ही आपको अपने प्रोविजनल आंसर की को चैलेंज करना होगा और जो आपका ऑब्जेक्शन है ना, उसे रेज करना होगा। देखिए, हर कैंडिडेट के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो ऑब्जेक्शन रेज करें, जिन्हें समस्या है अपने आंसर से सिर्फ वही चैलेंज कर सकते हैं। अगर आपको आंसर की को एक्सेस करना है तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, यानी कि exams.nta.ac.in। उसके बाद आप अपनी आंसर शीट को या रिस्पॉन्स शीट को डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बेसिस पर ही आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। उसके बाद ही फाइनल आंसर की और रिजल्ट का अनाउंसमेंट होगा। तो चलिए आपको रिजल्ट चेक करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका सबसे पहले बता देते हैं। रिजल्ट के लिए सबसे पहले कैंडिडेट्स को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। उसके बाद वेबसाइट के होम पेज पर ना व्हाट्स न्यू का जो सेक्शन है, वहां पर ना आपको रिजल्ट का लिंक दिखाई देगा। लिंक पर आपको करना होगा क्लिक। क्लिक करने के बाद आपसे आपकी डिटेल पूछी जाएंगी, जो आपका एप्लीकेशन नंबर होगा या फिर जो आपका रोल नंबर होगा, आपको वो फिल करना होगा और फिल करने के बाद कर देना होगा सबमिट। जैसे ही आप सबमिट करेंगे ना, वैसे ही आपके नीट यूजी का रिजल्ट आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। अब आप उसे चेक कर लीजिए और देख लीजिए कि सारी डिटेल उसमें मौजूद है। उसके बाद डाउनलोड करके फ्यूचर के इस्तेमाल के लिए एक प्रिंट आउट यानी कि एक हार्ड कॉपी अपने पास रख लीजिए। सो ये तरीका हो गया रिजल्ट चेक करने का। अब आपको ना जो ऑब्जेक्शन है ना, उसकी तारीख और उसके बारे में थोड़ा सा और अपडेट दे देते हैं। तो जो प्रोविजनल आंसर की है, जो ऑफिशियल वेबसाइट पर लाइव हुई है, उसमें ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए ना आपके पास सिर्फ और सिर्फ 31 मई तक का टाइम है। आप रात के 11:50 तक अपना ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। उसके बाद आपका कोई भी ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट नहीं होगा। सो आपको इस बात का ध्यान रखना है। इसके बाद ऑब्जेक्शन रेज करते वक्त ना आपको फीस भी देनी होगी। फीस है 200 रुपये पर क्वेश्चन। अगर आप फीस नहीं भरते हैं तो अगेन आपका ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट नहीं होगा। तो आपको जितने भी सवाल के लिए ऑब्जेक्शन रेज करना है, हर सवाल के लिए आपको 200 रुपये फीस देनी होगी। इस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये था रिजल्ट और जो प्रोविजनल आंसर की है उस पर अपडेट। आई होप अगर आपको कोई समस्या है अपने क्वेश्चन में तो आपने अब तक ऑब्जेक्शन रेज कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो आपके पास एक ही दिन का टाइम बचा है, आप जाकर अपना ऑब्जेक्शन रेज कर दीजिए। रिजल्ट भी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही लाइव होगा। आपको हर अपडेट के लिए वेबसाइट पर लगातार विजिट करते रहना है और साथ ही हमारे चैनल से भी जुड़े रहना, क्योंकि हम तो आपको हर अपडेट अपनी वीडियोस के जरिए दे ही देते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर आएंगे एक नए फॉलोअप वीडियो के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT Tech Ed।